यदि आप किसी का प्यार पाना चाहते हैं, किसी को आकर्षित करना चाहते हैं या लव मैरिज करना चाहते हैं, और इस चीज़ में बहुत सारी विघ्न बाधाएं आ रही हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम समस्या खड़ी हो रही है और आप अपने काम में सफलता प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, तो आज के इस वीडियो में मैं एक ऐसे उपाय के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसको यदि आप करते हैं तो आपका प्यार बिल्कुल दौड़ते चलाएगा आपकी ओर और सफलता आपको इस उपाय से मिल के रहेगी। तो इस उपाय को जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो पे बने रहें, साथ में चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन को क्लिक कर लें। बेल आइकन को क्लिक करने के बाद जो ऑल का ऑप्शन आता है उसको भी क्लिक कर लें ताकि आपको इस प्रकार की हमारी नई नई गुणतम जानकारियाँ प्राप्त होती रहे। चलिए आपको बताना शुरू करता हूँ कि यदि आप इस तरीके से किसी को आकर्षित करना चाहते हैं, किसी का प्यार पाना चाहते हैं, लव मैरिज करना चाहते हैं, अपनी पसंदीदा शादी करना चाहते हैं, किसी को खुश रखना चाहते हैं, तो आप ये उपाय अवश्य करें। करना क्या है ये समझ लीजिए आप। इसके लिए आपको एक कैंडल की ज़रूरत पड़ेगी, यानी एक मोमबत्ती की ज़रूरत पड़ेगी। मोमबत्ती का रंग आप पिंक कलर यानी गुलाबी रंग का चुन सकते हैं या तो फिर सफ़ेद रंग का चुन सकते हैं, दोनों में से कोई भी चलेगा। चाहे गुलाबी कलर का मोमबत्ती हो या सफ़ेद कलर का मोमबत्ती हो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एक कमरा चयन कर लीजिए, कमरा ऐसा हो जहाँ पे कोई लोग आते जाते ना हो, डिस्टर्बेंस ना करे आपको इस कार्य करने के दौरान, इस उपाय को करने के दौरान, ठीक है। पहले उस कमरे को साफ सुथरा कर लीजिए, अस्त व्यस्त चीज़ें ना हो, दुर्गंध ना हो। तो साफ करने के बाद वहाँ पे सुगंधित अगरबत्ती जलाकर वहाँ पे जो वातावरण है उसको सुगंधित कर लीजिए, सुगंधमय बना लीजिए। उसके बाद कैंडल जो है उसको जला लीजिए, जो भी कैंडल आपको उपलब्ध है, वाइट और या गुलाबी जो भी है, जला लीजिए उसको। जलाने के बाद आप वहाँ पर बैठ जाइए। बैठने के बाद एक भोजपत्र लीजिए। भोजपत्र में आपको उस व्यक्ति का नाम लिखना है, चाहे कोई भी हो सकता है, वो पर्सन जो है लड़का भी हो सकता है, लड़की या महिला या पुरुष कुछ भी हो सकता है, उस व्यक्ति का नाम उस भोजपत्र पे लिखना है। भोजपत्र पे लिखने के बाद आपको नाम लिखने के बाद उस भोजपत्र में आपने नाम लिखा तो नाम आपको किस में लिखना है, आपका जो पेन है उसका रंग रेड कलर का होना चाहिए या तो पिंक कलर का पेन होना चाहिए। पेन का कलर बता रहा हूँ, स्याही की कलर नहीं बता रहा हूँ। स्याही तो आमतौर पे जो होता है ब्लैक कलर का या नीले कलर का, वही यूज कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम दिक्कत वाली बात नहीं है। अब उसके बाद नाम लिखने के बाद उस भोजपत्र को आप अपने दोनों हथेलियों के बीच में रोल करें, 20 बार रोल करके उसको रब करें, मले उसको। मलते हुए आप इस प्रकार की फीलिंग लाएँ, आपकी जो अंदर फीलिंग है उस फीलिंग को आँखें बंद करिए, उस व्यक्ति का चित्र अपने मस्तिष्क के पिलाइए और कल्पना कीजिए, इमेजिन कीजिए कि वो आपसे प्रसन्न है, वो आपके ओर आ रहा है, वो आपके साथ है, आपका प्यार है। इस तरीके से आप अपनी फीलिंग को व्यक्त कीजिए, ठीक है। 20 बार रब करने के बाद आप उस भोजपत्र को फिर ज़मीन पर रख दीजिए। रखने के बाद उसमें दालचीनी का तेल मार्केट में मिलता है, दालचीनी का तेल को जहाँ पर आपने नाम लिखा हो उस भोजपत्र में उसी साइड से पूरे तेल लगा देना है उस भोजपत्र पे। लगाने के बाद फिर उसको रोल कर दीजिए। रोल करने के बाद फिर आप ऐसे स्थान पर जाइए जहाँ पे गमला हो, फूलों वाली गमला, गमला जिसमें फूल लगा हो, वहाँ पर जाकर वहाँ की मिट्टी में उस भोजपत्र को दबा दीजिए। यदि आपके आसपास कहीं गमला, फूलों वाला गमला उपलब्ध नहीं है तो आप वहाँ पर जाइए जहाँ पे फूल लगा हुआ हो, वहाँ पर की मिट्टी के अंदर आपको थोड़ा सा खोद कर आपको वो जो भोजपत्र है उसको वहाँ पर दबा देना है। बस इतना ही काम आपको करना है। आप देखेंगे ये बहुत जादुई मैजिकल तरीके से काम करता है, मिराकल हो जाएगा आपके साथ कि आप जो भी है कुछ दिन आप वेट करेंगे, देखेंगे आपकी जिसको आप प्यार करते हैं, जिसको आप पसंद करते हैं, जिसको आप आकर्षित करना चाहते हैं, वो आपकी ओर दौड़ा चला रहा है। यकीन मानिए, करके देखिए, तभी रिजल्ट सामने आएगा। सिर्फ वीडियो देखने से कुछ नहीं होता, आप अमल करेंगे तभी आपको रिजल्ट मालूम पड़ेगा, ठीक है। तो आप पेशेंस रखिए, इस अमल को करिए,
इस प्रयोग को करिए। अब प्रयोग करने के बाद आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आपका प्यार आपकी ओर दौड़ता हुआ चला रहा है, आपको अपना मन पसंदीदा प्यार मिल चुका है, ठीक है। और जो भी प्रॉब्लम हो या जो भी विचार आपके हो, आप कमेंट में जरूर करें, ठीक है। जानकारी अच्छी लगी हो तो इस जानकारी को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोग इस जानकारी को प्राप्त कर अपना खोया हुआ प्यार, अपना पसंदीदा प्यार प्राप्त कर सके, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।